विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जसवंत सिंह जी के धारदार तर्कों से आगे बढ़ती हुई विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। हर वक्ता ने चर्चा की शुरुआत जनादेश की व्याख्या करते हुए की। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। सबको मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या चाहे आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या यह दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी करते हैं। हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। Don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, रामराज और सुराज की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई, हिंदुस्तान में उस दिन सुराज्य की नींव पड़ गई थी। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ करहा उठे थे, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने
कल्पना की थी, पर इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ की वकालत करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन का की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने के लिए, अध्यक्ष जी ये सच्चा है, ये धर्म निरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले क्या व्यवस्था? मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझको मंदिर जाने से रोका गया और इसमें क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है भाई, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। चलिए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं भगवती देवी जी की जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन से करवाया था। अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी ये सेकुलर है, ये कांग्रेस जन दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेस मैन सेकुलर हैं, और आप बिहार के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का जोड़ बैठा कर माई की राजनीति करने वाले ये जनता दल वाले सेकुलर। क्या सभापति जी, मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को ये अनुमति देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सकें। मैं नहीं जानता किस रोष में ये लोग बोल रहे हैं, आपसे बहुत से रोष वालों को मैंने देखा है, ये रोष उनको नहीं दिखा है। इसलिए मैं तो सभापति जी को ये कह रहा था, जब सुषमा जी बोल रही है तो उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बसाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि हम सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं। अध्यक्ष जी, आज से पहले तो केवल हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था, हिंदुत्व
तो शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे, लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आंखें डबडबा गई। जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियननेस, इंडियन नेशनलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरारी मारन जी के, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट, आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारत भारतीय भारतीयता क्या होती है। मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा। एक उम्मीद चंद्रशेखर जी से जरूर थी, पता नहीं क्यों कौरवों की सभा के भीष्म पितामह की तरह आप भी मौन साधे रहे। अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र मुरारी मारन जी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी, भारतीयता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अरे भारतीयता का अर्थ यही है कि भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारतवर्ष के नृत्य हैं। भारतीयता के माने ये हैं कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक सारे आहार भारतवर्ष के आहार। भारतीयता का अर्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे तीर्थ भारतवर्ष के तीर्थ हैं। आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या मायने हैं? अध्यक्ष जी, एक संस्कृति के मायने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामेश्वरम के पैर पखाड़ता है। यह एक संस्कृति के कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्मे हुए एनसी चटर्जी अपने बेटे का नाम सोमनाथ रखते हैं। यही है एक संस्कृति, यही है शब्दकोशों में देखने की जरूरत नहीं है, वो इस सदन में परिलक्षित होती है। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है। ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण, ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है। के बारे में नहीं, ये ऐसे ही हो गया। आखिर चार लोग बैठे, सारी चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है, सेंट किट्स गायब है, जेएमएम गायब है, शुगर स्कैंडल गायब है, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम गायब है। अरे जिनका ढिंढोरा पीट के चुनाव में गए थे, नरसिंह राव एपिटोम ऑफ करप्शन की चार्जशीट निकाल कर चुनाव में गए थे, आज उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं। और यूरिया स्कैम के ऊपर कहते हैं प्रधानमंत्री, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई बचेगा नहीं। केवल मुक्के मार कर कह देने से ये नहीं होगा। अध्यक्ष जी, आचरण क्या बोलता है ये देखने वाला है। आज भी यूरिया स्कैम में अक्सर पकड़े गए हैं, लेकिन दोनों के रिश्तेदार अभी नहीं पकड़े गए। 5 दिन का समय दिया गया, आखिर क्यों? इसलिए मैं कहती हूँ, ये साझेदारी सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं हुई है, ये साझेदारी एक दूसरे को माफ करने के सिद्धांत के नाम पर दी गई साझेदारी। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं रामविलास पासवान, कहते हैं ये सरकार चलेगी। आज यहाँ कहा जाता है ये सरकार चलेगी नहीं, दौड़ेगी, 5 साल तक रहेगी। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे नेता ने तो नहीं कहा, बयान तो पहला बीजू पटनायक का आया,
बीजू पटनायक का आया पहला बयान, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट। किस घटक के हैं वो? भाजपा के। बुद्धदेव भट्टाचार्य का बयान आया, हाँ वो ही, बुद्धदेव आचार्य का बयान आया, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट फॉर सिक्स मंथ्स। ये किस घटक के हैं? भाजपा के। ओके, यू स्टैंड करेक्टेड। अध्यक्ष जी, मुझे करेक्ट करने की क्या जरूरत है? पहली स्टेट पर छपी उसका जिक्र मैंने कर दिया, डिनायल इन्होंने किया, उसका जिक्र मैंने कर दिया, दोनों चीज रिकॉर्ड पर आ जाएंगी। आगे बढ़ो। नरसिंह राव जी के हवाले से कहा गया कि चुनाव के लिए 7 महीने से 1 साल के बीच में तैयार रहना चाहिए, ये बयान भाजपा की तरफ से तो नहीं आया? इतने अंतर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है, क्या सांझ है नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव में? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सांझ है? आ गए बीजू पटनायक जी, क्या सांझ है? आ गए ये बीजू पटनायक जी हाथ में और जेबी पटनायक में, क्या सांझ? इधर एड्रेस करिए आपने। अध्यक्ष जी, सुषमा जी आप इधर एड्रेस करिए। चारे और खाद के अलावा क्या सांझ है राम लखन सिंह यादव और लालू यादव में? क्या सांझ है ममता बनर्जी और सोमनाथ चटर्जी में? मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह की बदल में क्यों बैठे? आपके हितों की अनदेखी करते करुणा नीति ने देवेगौड़ा को नेता क्यों स्वीकार किया? अपने घावों की पीड़ा भूलकर, ममता जी अपने घावों की पीड़ा भूलकर आप सोमनाथ जी के साथ मतदान कैसे कर रही है? ठीक है, ठीक है, ममता जी आपको बोलना है, इसके लिए एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने। मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं नाम क्यों ले रही हूँ? मुझे वो दृश्य जस का तस याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी, इसी सदन में नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था। मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था, यही बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी। बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उठाया था। वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थी। मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं, हम उनकी आवाज को गैर करने के लिए उन पर हमला नहीं करते। इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज, कई सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी, ये कैसी सांझ है ममता जी? ये कैसा गठबंधन? अध्यक्ष जी, मैं जिक्र कर रही थी कि केवल व्यक्तियों में अंतर विरोध नहीं है, जो कार्यक्रमों में अंतर विरोध झलकता है वो तो माशाल्लाह। जब इनका प्रोग्राम आया, मिनिमम प्रोग्राम, मैंने उसको आदि से अंत तक पढ़ा। एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया, ये हो नहीं सकता, मैंने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ने के तुरंत बाद मेरे मुंह से निकला, वहां भारत के कम्युनिस्ट साथियों, तुमने लेनिन से येल्सिन तक का सफर एक ही सप्ताह में पूरा कर लिया। अध्यक्ष जी कोलिशन के कंस्ट्रेंट्स तो मैं समझ सकती हूँ, कोलिशन के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है, कुछ चीजों में साझेदारी करनी पड़ती है, मगर कोई शीर्षासन करके कलाबाजी खा जाएगा इसकी उम्मीद नहीं। अध्यक्ष जी, इसमें लिखा है इंश्योरेंस सेक्टर निजीकरण उसका कर दिया जाएगा और फॉरेन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं तो हैरान हुई, क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे जस की तस याद थी, कहां गए चतुरानंद मिश्र? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं राज्यसभा में याचिका समिति की अध्यक्षा थी, कमेटी ऑन पिटिशंस की चेयरपर्सन थी। हमारी समिति के सामने एक याचिका दायर की गई, एक पिटिशन प्रस्तुत की गई, जिसमें यह लिखा गया था कि LIC GIC इंश्योरेंस सेक्टर को जो प्राइवेटाइज करने की एक सिफारिश मल्होत्रा कमेटी की तरफ से आई है वो लागू न की जाए। ये थी वो पिटिशन।
और मैं आपको चौंका दूं ये बात कहकर, वो पिटीशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी, एक एमपी को प्रस्तुत करनी पड़ती है। ये संयोग है कि चतुरानंद मिश्र राज्यसभा से मेरे साथ लोकसभा में आए हैं, दो चार दिन में शायद कैबिनेट के मंत्री भी बनने वाले हैं। वो पिटीशन काउंटर साइन की थी चतुरानंद मिश्र ने। और अध्यक्ष जी, मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लीमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस पिटीशन, ये पिटीशन इंफेक्चुअस हो जाएगी, इसलिए कम से कम इंटरिम डायरेक्शन गवर्नमेंट को दी जाए कि ये इंप्लीमेंट नहीं। पिटीशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डायरेक्शन दी थी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाए, हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे, तब तक मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशें लागू न की जाए। और इस याचिका समिति ने, इस याचिका समिति ने इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाया, सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आए थे। इसमें क्या गलत कह रही हूं अध्यक्ष जी? प्रीमियर घटक इस यूनाइटेड फ्रंट का जनता दल, जिनकी सरकार है, जिनके आप कुछ कहना चाहते हो, आप मिनिस्टर है, बोलिए। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है तो बताइए, अगेंस्ट द रूल हो तो बताइए। नहीं, यू आर मिनिस्टर नाउ। वो रेफर कर रही है एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो हाउस में ले किया जा चुका है, इसमें क्या है अध्यक्ष जी? प्रोसीडिंग नहीं, उसी को उन्होंने बताया उस प्रतिवेदन से। मैं चाहूंगी, व्हाट कैन आई डू? प्रधानमंत्री तवज्जो दे। नहीं, ये तो आजादी है, ये कोर्ट कर सकते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर जी, नहीं, आप कोई रूल बताइए ना जिससे वो नहीं कोर्ट कर सकते, मैं उनको रोक दूंगा, बताइए कोई कानून। प्राइम मिनिस्टर, मैं आपके दल की बात कर रही हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन प्लीज। मैं देवेगौड़ा जी, सोमनाथ चटर्जी और चतुरानंद मिश्र को सुनाकर दोबारा कहना चाहूंगी, मेरी पार्टी का पॉलिसी तो भारतीयों के लिए खोल दो, फॉरेनर्स के लिए मत खोलो, लेकिन आपकी पार्टी का पॉलिसी पढ़कर सुना रही हूँ। आपको तो वी शुड बी हैप्पी विद दिस वो प्रोग्राम। नहीं, मैं तो आपके शासन की बात कर रही हूँ, जो कलाबाजी खाई है सत्ता की अंधी दौड़ में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं इसको केवल ये पढ़ के बता रही हूँ कि सत्ता की दौड़ में मदहोश होकर आदमी इतनी उलटबाजी भी खा सकता है कि 50 साल तक जिन नीतियों को लेकर आपने राजनीति की है, आज वो राजनीति टोटल की टोटल, एब्सोल्यूट की एब्सोल्यूट आप छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुपता की दौड़ में या एंटी बीजेपी स्टांस के अंदर आपको कांग्रेस के साथ बैठना है, आपको जनता दल के साथ बैठना है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अध्यक्ष जी, यहाँ सदन में ये छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, इनका कार्यकर्ता इन्हें छोड़ने नहीं देगा, और ये अंतर विरोध इस सरकार को गिराने का कारण बनेंगे। रामविलास पासवान कहते थे, शरद यादव अभी कह रहे थे, नहीं ये सरकार तो चलेगी, नरसिंह राव जी ने आज कह दिया चलेगी। अरे भाई, नरसिंह राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार, शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगा, ललिता पवार, व्हाट इज द एलेक्शनेबल इफ इट इज हर एक्सपीरियंस अबाउट हिम, माय टू बी हैप्पी। आप लोगों को धन्यवाद चंद्र जी, बहुत बहुत प्यार कह रही थी, ये प्रयोग नया नहीं है, ये प्रयोग आपके गुरु राजनारायण जी पहले कर चुके हैं। 20 दिन के अंदर कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया था, और मेरे आदरणीय नेता चंद्रशेखर जी बैठे, 4 महीने के अंदर इनसे समर्थन वापस लिया था। आप किस आधार पर विश्वास कर रहे हैं? किस आधार? आपके विश्वास का कोई आधार होना चाहिए, इतिहास से भी कुछ नहीं सीखा। गिराने के लिए हर समय मौजूद है। पहली, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना चाहिए, और दूसरी,
कहे थे डॉक्टर साहब सुधरो या टूटो। तो अध्यक्ष जी अब तो कांग्रेस को कांग्रेस की जगह भाजपा को फ्रेम में रखकर शैतान से हाथ मिलाने की वकालत कर रहे हैं शरद जी, मगर थोड़े दिन की बात है, जब होगा सुधरो या टूटो। और हो भी क्यों नहीं शरद यादव, बहुत सही बात है, 65 लाख वाले मंत्रिमंडल में और 3 लाख वाले मंडल में तो क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। निश्चित तौर पर चंद दिनों की बात है जब ये होगा सुधरो या टूटो। इसलिए मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, ये जो कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल चलेगी 5 साल चलेगी, नहीं अध्यक्ष जी, दिस पॉलिटिकल ऑर्केस्ट्रा विल डिस्पर्स इवन बिफोर द शो बिगिंस, दे आर सो यूज्ड टू सिंगिंग देयर ओन ट्यून्स। ये जो एक सामूहिक मंडली एक समूह गीत गाने के लिए आई है, ये अपना अपना राग अलापने के लिए इतने आदि हैं कि गीत शुरू होने से पहले ये शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन हाँ, जितने दिन ये देश आपके हाथ में रहे, ईश्वर इस देश की रक्षा करे।